विदिशा पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा द्वारा चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। गंज बासुदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर चरस सप्लायर्स को गिरफ्तार किया। दोनों थानों की संयुक्त कार्रवाई में 200 ग्राम चरस के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। गत 2 माह पूर्व पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई थी और ड्रग बेचने के आरोप में हनी मिश्रा और सपना, दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था और करीब 3 दिन के रिमांड के बाद पुलिस ने खुलासा किया था। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भारत भूषण शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न क्षेत्रों में चरस गांजा बेचने की सूचना प्राप्त हो रही थी, जो कि नई उम्र के युवाओं को नशीले पदार्थ बेच रहा था। पुलिस ने गंज बासोदा के तिरंगा चौक से आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 200 ग्राम चरस जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपये है जब्त की है। गंज बासोदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। में ड्रग्स के विरुद्ध अभियान विदिशा जिले में जो प्रारंभ किया गया था, पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा जी के नेतृत्व में ड्रग्स के लिए सभी जिले के टीआईज को निर्देशित किया गया था कि ड्रग के विरुद्ध कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए, जिसमें टीआई देहात बासुदा, बीडी वीरा और सुमी देसाई ने और उनकी टीम ने एक व्यक्ति दीपक रघुवंशी वार्ड नंबर 5 में जो गीता टागिज के पास में रहता है, जिसकी काफ़ी दिन से ड्रग्स की शोहरत थी, जिसको रात को हिरासत में लेके पूछताछ की गई और उसकी तलाशी ली गई तो उस पर चरस जब्त हुई, जिसके तहत उसको NDPS में गिरफ्तार किया गया है और अन्य ड्रग्स के मामलों में भी पूछताछ की जा रही है। सर, कितनी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई है और कितनी राशि की ड्रग्स होगी? इसकी लगभग कीमत जो है अंतर्राष्ट्रीय और अलग अलग ग्राहकों के हिसाब से अलग अलग कीमत होती है, पर ये 2 लाख से 3 लाख के बीच की आकलन किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।